वेलकम टू एवरीथिंग ऑटो प्रो। स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक नई वीडियो में। तो यार इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नहीं बल्कि दो दो वैगनर। तो यार मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सब ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, और सबसे कॉमन जो एक क्वेश्चन है, सबसे कॉमन जो एक कंफ्यूजन है, यूट्यूब पर अभी तक ये वीडियो आपको नहीं मिली होगी, तो मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ एक नहीं बल्कि दो दो वैगनर। ये वैगनर रहने वाली है 2018 मॉडल। अगर आपको नहीं पता, आप चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये मेरी पर्सनल गाड़ी है और ये मैं किसी और से लेकर आया हूँ। ये है 10 साल पुरानी वैगनर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक 2010 मॉडल में और एक 2018 मॉडल में क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो यार कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि दोनों जो गाड़ियां हैं वो लगभग चली हैं 30 से 35 हजार के बीच में दोनों गाड़ियों का ओडोमीटर रीडिंग है। तो यार जो मैं आपको क्वेश्चन की बात कर रहा था, जो मेरे व्यूअर्स पूछते हैं मुझसे, उसमें व्यूअर्स का मोस्ट आस्क क्वेश्चंस में से एक ये रहता है कि वो गाड़ी लेते हुए, यूज गाड़ी लेते वक्त ज्यादा क्या प्रेफर करें, यानी कि अगर वो एक पुरानी गाड़ी जो कि कम चली हुई है वर्सेस एक नई गाड़ी जो कि ज्यादा चली हुई है क्या लें। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2 साल की, तो 2 साल में 30,000 किलोमीटर एक ठीक ठाक रेंज होती है गाड़ी के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं 10 साल में, तो 10 साल में 30,000 किलोमीटर मतलब बहुत ही कम चली हुई गाड़ी। तो आज की वीडियो में आपका ये क्वेश्चन जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा कि यूज गाड़ी लेते हुए क्या मैटर करता है, किलोमीटर या एज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक डीप इन डेप्थ कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की बॉडी लाइन से। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी गाड़ी जो कि नई है कंपैरेटिवली दोनों में। तो अभी इस गाड़ी को मेरे पास लगभग 2 साल हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी लाइन सही है, नॉर्मल स्क्रैचेज हैं थोड़े बहुत। वो तो यार देखो, अगर गाड़ी रोड पर चलेगी तो स्क्रैचेज आना तो एक नॉर्मल सी बात है, बट बॉडी पे जो मेजर चीज इफेक्ट करती है यार, वो होता है जंग, यानी कि रस्ट। आपकी गाड़ी की बॉडी में अगर रस्ट लगती है तो वो आपकी गाड़ी के लिए बुरी बात हो जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरी गाड़ी अगर आप देखें तो 2 या 3 साल में इसमें कहीं भी कोई भी रस्ट का निशान नहीं है। गाड़ी का पेंट एकदम अच्छी कंडीशन में है। और मैं आपको अगर बताना चाहूं इसके साथ साथ, तो वो अगली चीज जो है एक्सटीरियर में बात करूंगा अगर टायर्स की। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सेकेंडली रहता है वो है टायर्स। तो अगर मैं टायर की कंडीशन आपको दिखाना चाहूं, पहले भी मैंने बताया कि गाड़ी के साथ के टायर्स हैं, अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो यहाँ पर 30,000 किलोमीटर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि टायर की ऑलमोस्ट 30-40% लाइफ जो है कंज्यूम हो चुकी है। गाड़ी के टायर्स के बारे में, तो टायर्स पे दो कंडीशंस होती हैं, पहली होती है एज और दूसरी होती है किलोमीटर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो टायर की एज जो है यहाँ पर 2 साल है, बट किलोमीटर 30,000 की गाड़ी क्लॉक कर चुकी है। साथ ही साथ अगर आपके पास एक पुरानी गाड़ी है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है और आपको टायर बदलवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यार आप वहां पर गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एक टायर की एक शेल्फ लाइफ होती है, एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें वो खड़े खड़े भी वियर एंड टियर होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी गाड़ी या 700, 800, 1000, 1500 कितने भी किलो की हो सकती है, और लोड कौन बेयर करता है, ऑब्वियसली टायर। तो यार इसके बाद आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की बॉडी में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि ये मेरी गाड़ी 2018 मॉडल, मैं इसमें आपको और पीछे की चीजें दिखा देता हूँ। जैसे कि तो यार अगर मैं बात करूँ रियर सेक्शन की, तो पीछे भी केस जो है थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहता है, क्योंकि लोड तो यार यहाँ पर भी रहता है। तो अगर मैं बात करूँ टायर की और सस्पेंशन की, तो आप ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी नई है, यानी कि एज में नहीं है और ज्यादा चली हुई है, उसका सस्पेंशन बेटर होगा, प्रोवाइडेड कि अगर जो पुरानी गाड़ी है उसका सस्पेंशन उसकी लाइफ टाइम में चेंज नहीं हुआ है।
तो यार इसके बाद मैं अगर बात करूं पीछे के लुक की, तो लुक का इतना फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये वीडियो उस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो में दो ऐसी गाड़ियां कंपेयर कर रहा हूं जो कम एज में ज्यादा चली है और ज्यादा एज में कम चली है। तो बात कर रहे थे हम बॉडी की, तो ये जो है गाड़ी की बॉडी 2 साल में ऐसी उभर कर आई है। तो अगर इसमें हम कंपैरिजन करें एक ऐसी गाड़ी से जो कि 10 साल पुरानी है, यानी कि 10 साल से यहाँ पर है, और उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस 10 साल में देखने को मिलेंगे, तो वो गाड़ी है ये। आपको ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही होगी अगर आपने मेरे चैनल पर पिछली वीडियो देखी है, और जिसको ये गाड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही वो आई बटन पर क्लिक करके इस गाड़ी का लॉन्ग टर्म रिव्यू देख सकता है। ये वैगनआर 2010 मॉडल है जिसका आप लॉन्ग टर्म रिव्यू जाकर देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। मैंने इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इसकी बॉडी कैसी है, इसका सस्पेंशन कैसा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है और भी बहुत कुछ डिटेल में। तो जाइए और वो वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में जैसा कि हम कर रहे थे कंपैरिजन, तो वापस आते हैं उस पर। अगर आप देख सकते हैं तो इसका पेंट क्वालिटी जो है थोड़ा बहुत नई गाड़ी से कम नजर आएगा आपको, कम इन द सेंस ऐसा नजर आएगा कि थोड़ा बहुत ये फेड हो गया है। अब जाहिर सी बात है अगर एक गाड़ी 10 साल एक जगह पर खड़ी रहती है, धूप बारिश मिट्टी बहुत कुछ फैक्टर्स अगर वो झेलती है तो उसके पेंट पर असर आ ही जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस गाड़ी का पेंट खराब दिखने का एक और भी कारण था, अगर आपको वो कारण जानना है तो वो वीडियो जाकर देखिए। सर इस गाड़ी का पेंट खराब होने का जो रीजन था उस पर हम बाद में आएंगे, अगर उसको आपको डिटेल में देखना है तो जैसा कि मैंने कहा आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। पर इस वीडियो के लिए हम लोग बात करने वाले हैं आप इसके टायर्स की। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ओनर ने इसके जो टायर्स हैं वो रिप्लेस करा लिए थे। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो टायर का ट्रेड जो है वो बिल्कुल नया है क्योंकि ये टायर्स रिसेंटली ही रिप्लेस कराए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि टायर्स पे दो चीजें डिपेंड करती हैं, तो यार उस गाड़ी के जो टायर्स थे वो लगभग 30,000 किलोमीटर चले थे 2 साल में। इस गाड़ी के जो टायर्स हैं ये लगभग अभी चले हैं 10,000 किलोमीटर पिछले 1 साल में। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं वीडियो में वापस जाकर कि उस गाड़ी के जो ट्रेड्स थे, उस टायर के जो ट्रेड्स थे, इसके ट्रेड से थोड़े कम थे, यानी कि ये टायर जो है वो बेहतर है। ऑब्वियसली इनकी लाइफ कम रही है तो यहाँ पर भी वो चीज मैटर करती है कि जो टायर जितना नया है उतना अच्छा दिखेगा। बॉडी लाइन भी मैंने कंपेयर कर दी है, तो बाहरी फैक्टर्स मैंने आपको सारे कंपेयर करके दिखा दिए हैं मेन। तो अब इसके बाद चलते हैं गाड़ियों के अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका शॉकर का रिस्पांस, स्टेयरिंग का रिस्पांस, एसी का रिस्पांस और सबसे बढ़िया चीज, सबसे बड़ी चीज जो जानने लायक है, इंजन नॉइस केबिन के अंदर और बाहर कैसी रहने वाली है। तो यार इसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर। मैंने आपको बाहर से मेन मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, यहाँ पर मेरे माइक का कवर पड़ा है इसे मैं हटा देता हूँ। तो यार अगर मैं बात करूं कैबिन के अंदर की, तो आप देख सकते हैं फैब्रिक क्वालिटी यानी कि सीट कवर्स जो हैं वो इस गाड़ी के ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं आपको। ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी नई है, कम चली हुई है, कम चली तो नहीं है एक्चुअली, गाड़ी का ओडोमीटर रीडिंग सेम रहने वाला है, बट इंटीरियर क्वालिटी आपको इस गाड़ी में बेहतर मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर आप गियर स्टिक को भी देखें तो ये भी कंपैरेटिवली नई है, अगर आप डोर पैनल्स को देखें तो ये कंपैरेटिवली अच्छे हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं क्योंकि वैगनआर में चेंज हो गए थे। बट साथ ही साथ अगर मैं आपको इसी टाइम पे उस गाड़ी में चलकर दिखाऊं कि उसके पैनल्स और गियर स्टिक कैसे हैं, तो आप लोग बेटर जज कर पाएंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आते हैं। तो आ गए हम पुरानी गाड़ी के पास, अब हम चलते हैं इसके अंदर, खुल गई है। तो अगर हम चलते हैं इसके अंदर तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गियर स्टिक जो है वो ब्लैक है, और अगर यहाँ पर क्रोम फिनिश होती गाइज तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक आउट हो जाता, जैसा कि आपको इस डोर पैनल में देखने को मिलने वाला है। सर ये तो इंटीरियर की चीजें हैं, जो मेन चीजें होती हैं वो होती हैं अपनी शॉकर्स, इंजन और इंजन नॉइज और आपका स्टीयरिंग का रिस्पांस कैसा है। तो मैं आपको वापस जाकर नई गाड़ी में दिखाता हूँ कि इंजन नॉइज कैसी रहने वाली है और इंजन का रिस्पांस कैसा है। तो यार इस गाड़ी का मैंने हुड ओपन कर लिया है, तो मैं एक बार इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इंजन नॉइज कैसी रहने वाली है। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। यार ये 2018 मॉडल है, तो आप देख सकते हैं 30,000 किलोमीटर अगर 2 साल में ही गाड़ी चल गई है तो इसका इंजन नॉइज कितना है। आप इंजन नॉइज देखिए, 3 सेकंड के लिए मैं शांत हो जाता हूँ। वहीं अगर हम चलें दूसरी गाड़ी की ओर, तो मैं आपको ये पुरानी वाली वैगनआर के पास ले आया हूँ, ये 10 साल में 30,000 किलोमीटर चली है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप कंपेयर करें कि दोनों में इंजन नॉइज किसकी थी, तो आप इसकी भी सुन सकते हैं। तो यार गाड़ी यहाँ पर बंद हो गई है, आपने देख लिया कि दोनों गाड़ियों में इंजन नॉइज जो थी वो लगभग सेम थी, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो पुरानी गाड़ी है इसकी इंजन नॉइज कम थी, मुझे ऐसा लगा। आपको कैसा लगता है आप ये कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, आपके रिस्पॉन्सेज का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ।
जो है यार सब साफ बात सच बात ये है कि अगर आप गाड़ी को मेंटेन करते हैं तो वो अच्छे चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गाड़ी मेंटेन नहीं है, मैं भी रेगुलरली सर्विस कराता हूँ, बट शायद इसमें कुछ ना कुछ इस टाइम पे इशू चल रहा था जिसकी वजह से इसमें इंजन नॉइज अभी आपको ज़्यादा आ गई होगी, या मुझे ऐसा लगा कि इसमें इंजन नॉइज ज़्यादा थी। तो यार अगले सेगमेंट में अगर हम बात करें अंडर बॉडी की, तो ये गाड़ी के नीचे का सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली गाड़ी के नीचे का नहीं है, टायर के पीछे का सेक्शन है, बट नीचे से आप थोड़ा सा इसका ग्लांस ले सकते हैं। तो इसमें बताने लायक बात ये थी कि अगर आपके जो एक्सल और शॉकर्स होते हैं वो कम ईयर में ज़्यादा चली हुई जो गाड़ी होती है उसके भी वेयर आउट हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के बारे में जो ज़्यादा ईयर्स में कम चली हुई है तो ये भी उतना ही वेयर आउट हो जाते हैं। इनका रीज़न डिफरेंट रहता है, रीज़न इस ज़्यादा ये पुरानी गाड़ी यानी कि कम चली हुई गाड़ी में रीज़न ये रहता है कि ये जंग खा के वेयर आउट हो जाते हैं। और यहीं मैं बात करूँ अपनी गाड़ी की जो कम टाइम में ज़्यादा चली है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल रोड वेयर एंड टीयर से ख़राब हो जाते हैं जिसके कारण हमें इसे रिप्लेस करवाना पड़ सकता है। तो यार बात करें अगर स्टीयरिंग की, तो जो स्टीयरिंग असेंबली होती है वो प्योरली इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप गाड़ी कितनी और कैसे चलाते हैं। तो ये एक सीधा सीधा लॉजिक हो सकता है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा चली हुई है तो इसका स्टीयरिंग ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा आगे चलकर, क्योंकि ये उस एज में जाकर यानी कि और पुरानी होते के साथ और ज़्यादा चल जाएगी। अगर मैं बात करूँ 10 साल पुरानी 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी की और एक नई 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी की, तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं इक्वल रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया स्टीयरिंग डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द यूजेज एंड हाउ यू ड्राइव योर कार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ जो मेजर यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो होती है रस्ट। तो अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, एक जगह पर खड़ी हुई है और आपने उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए हैं, तो रस्ट के लिए तैयार रहिए कि आपकी गाड़ी की बॉडी पर रस्ट ज़रूर आने वाली है। आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट में यहाँ पर गाड़ी खड़ी है वो वैगनर VXi है यानी, और जो सिल्वर वाली गाड़ी है वो वैगनर LXi है, बट इस चीज़ से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन व्यूअर्स को ये नहीं पता मैं ये बता देता हूँ कि इसका इंजन सस्पेंशन स्टीयरिंग यानी कि जो भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। जो वेरिएंट्स का इशू आप सोच रहे हैं कि आता होगा कि वो VXi है और ये LXi है, तो वो सिर्फ फीचर्स और इंटीरियर केबिन में जो आपको कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स मिलते हैं उस पर डिफर करता है। जो गाड़ी की बात करूँ अगर मैं मैकेनिकली इंजीनियरिंग वाइज, तो गाड़ी बिल्कुल ही सेम है, चलने में सेम है, दिखने में सेम है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको कंपेयर करके दिखाई दो ऐसी गाड़ियाँ जो कि डिफरेंट टाइम्स में सेम किलोमीटर चल चुकी हैं, यानी कि ये गाड़ी चली थी 2 साल में लगभग 30 किलोमीटर, वहीं ये गाड़ी चली 10 साल में केवल 30,000 किलोमीटर। तो यार इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, इंटीरियर्स में क्या इफेक्ट आता है, इंटीरियर्स में कैसे कैसे अलग चीज़ें रहती हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कौन सी लें, कम उम्र में ज़्यादा चली हुई या ज़्यादा उम्र में कम चली हुई। तो यार इसका सीधा सा एक आंसर है कि गाड़ी का लेना और गाड़ी का अच्छा या बुरा होना सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि ओनर उसको कितना अच्छे से मेंटेन कर रखता है। अगर ओनर 2 साल में उसकी कोई भी सर्विस नहीं कराता है और उसे 30,000, 40,000, 50,000 किलोमीटर चला देता है, तो गाड़ी वहीं डिग्रेड हो जाती है। अगर आप उसको एक ऐसी गाड़ी से कंपेयर करेंगे जिसको 10 साल हो चुके हैं बट उसकी सर्विस रेगुलर टाइम पर हुई है और वो एक रफली अगर मैं बात करूँ सेम ही चली हुई है यानी कि 50,000 से 60,000 चली हुई है, तो वो गाड़ी डेफिनेटली बेटर होगी। सिर्फ कुछ ना कुछ उसके पैरामीटर्स ऐसे बुरे तो नहीं, एटलीस्ट मतलब थोड़े से जो खराब जाएंगे वो होंगे बॉडी लाइन, क्योंकि बॉडी उसकी ज़्यादा टाइम तक एटमोसफेयर में एक्सपोज रही है, तो वो एक चीज़ है जो आपको नोटिस करनी है। तो यार बाकी अगर आप यूज कार लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं और क्या क्या फैक्टर्स उसमें देखने चाहिए आपको यूज कार लेने से पहले, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं ये वीडियो बनाऊँ डिटेल में, तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट छोड़ दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अगर यहाँ तक आ गए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन दबाए बिना मत जाना यार, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा दें जिससे जब जब मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और आप आ जाए मेरी वीडियो देखने सबसे पहले। तो यार अगर इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव मिला तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कभी फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।